हेलो एवरीवन, वेलकम टू MI9 चैनल। वीडियो में मैंने आपको बताना है कि हम पाकिस्तान में बैठ के कोई भी इंटरनेशनल नंबर कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको कैसे परचेज़ कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल में कैसे ला सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मुकम्मल तरीका जानने को मिलेगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो आपको पसंद आई तो उसको लाइक कर देना और कॉमेंट करके बताना कैसी लगी। तो सबसे पहला जो हमने काम करना है वो ये करना है कि हमने प्ले स्टोर पर आ जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है एप्लीकेशन, इसका नाम है नुमेरो। आपने प्ले स्टोर सर्च बार में जाके यहाँ पे नुमेरो सर्च कर लेना और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने अपना पर्सनल नंबर डालना है जो आपके मोबाइल फोन में चल रहा है। यहाँ पे कंट्री ऑटोमेटिक सिलेक्ट है और यहाँ पे हम जीरो के बिना अपना नंबर ऐड कर लेंगे जो हमारे पास चल रहा है। मैं यहाँ पे अपना नंबर ऐड कर लेता हूँ। नंबर ऐड करने के बाद यहाँ पे हम कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे यह हमें अलर्ट कर रहा है, हमने कंटिन्यू पे ही क्लिक कर देना है कि हाँ बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहते हैं हम। कंटिन्यू करने के बाद जो अगला इंटरफेस आया एप्लीकेशन का वो कुछ यूं आया है जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको एक सबसे पहला ऑप्शन आपको फोन नंबर दिखाई दे रहा है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप हर जगह का फोन नंबर किसी भी कंट्री का रेंट पे ले सकते हैं, एक महीने के लिए, दो महीने के लिए। उसके लिए आपको बकायदा पे करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप वैसे शौकिया लेना चाहते हैं या दोस्तों को बेवकूफ बनाने के लिए लेना चाहते हैं, पाकिस्तान में बैठ के आप स्पेन का नंबर ले लें कि हाँ मैं स्पेन में बैठा हूँ, देख ले मेरा ये नंबर भी चल रहा है, मैं अभी तुझे इस नंबर से कॉल भी करता हूँ। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये कुछ बताएगा, हमने इसकी इंस्ट्रक्शन माननी। अब मुझे यहाँ तीन डॉट्स पे क्लिक करना है क्योंकि इसके बिना ये मुझे कहीं और आगे जाने नहीं देगा। नीड अ फोन नंबर फ्रॉम नॉन एग्जिस्टिंग कंट्री, डोंट वरी, रिक्वेस्ट इट हियर। हम यहाँ पे इसको रिक्वेस्ट कर देंगे कि हाँ हमें ये नंबर चाहिए। यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट हुआ हुआ है। यहाँ पे हमने अपना कोई रेजिडेंशियल एरिया लिख लेना है, जैसे आप जहाँ के भी हैं आप वो लिख लें, या कोई भी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, चल जाएगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ और उसके बाद यहाँ जो नीचे आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लैंडलाइन, मोबाइल, डज नॉट मैटर, यानी कोई भी नंबर चलेगा आपके लिए। तो यहाँ पे आपने मोबाइल सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको मोबाइल नंबर चाहिए, लैंडलाइन नंबर चाहिए तो आप लैंडलाइन पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे मोबाइल नंबर चाहिए तो मैं यहाँ पे मोबाइल पे सेलेक्ट कर देता हूँ। नीचे जो लिखा हुआ है राइट नोट ऑप्शनल, इसको बिल्कुल खाली छोड़ के हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। जो हमारी रिक्वेस्ट है ई सिम लेने के लिए, आप इन्होंने इसको ई सिम का नाम दिया है, इलेक्ट्रॉनिक सिम, यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है क्रिप्टो करेंसी, ऐसे ही इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिम का नाम दे दिया है इसको, कि आप रेंट पे सिम ले सकते हैं। तो मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। सबमिट होने के बाद ओके पे क्लिक करता हूँ तो मेरी जो रिक्वेस्ट है ये डन हो चुकी है। अब मैं थोड़ा सा बैक आता हूँ तो यहाँ पे मैं अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे मैं अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ जिस कंट्री का मुझे नंबर लेना है। मैंने स्पेन सेलेक्ट कर लिया है। स्पेन सेलेक्ट करते ही यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेन सेलेक्ट एरिया। आपने जिस कंट्री का नंबर लेना है आपने इंटरनेट पे जाके उस कंट्री के एक दो शहरों का नाम जान लेना है। यहाँ पे आपसे ये इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। तो यहाँ पे मैंने स्पेन सेलेक्ट किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सजेशन में ही इसने मुझे स्पेन के शहरों के नंबर दिखा दिए हैं कि आप इनमें से कौन सा लेना चाहते हैं। अगर आप इंटरनेट से उस मुल्क के शहरों की इन्फॉर्मेशन नहीं लेते तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा इसको ओपन करेंगे और ये आपको सजेशन में उस मुल्क के शहरों के नाम दिखा देगा, उनके नंबर दिखा देगा। और यहाँ पे आपको पर मंथ £4 में ये नंबर फ्राहम करेंगे। रेंट है ये एक महीने का, अगर ये आप ई सिम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं और वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं तो आपको ई सिम, इलेक्ट्रॉनिक सिम की पाकिस्तान में बैठ के, यहाँ आप कहीं पे भी हैं तो आपको जरूरत पड़ सकती है और आप इस तरीके से लेके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो में भी खत्म होती है, आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना और कॉमेंट करके बताना कैसी लगी। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।